हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था आपको। सर्कुलर फंक्शन के बारे में सारी चीजें बताई थी, उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फंक्शन में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सर्कुलर फंक्शन में बताया था बच्चा कि बेसिकली जो सर्कुलर फंक्शन में हम लोग चार क्वाड्रेंट लेते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4, चार क्वाड्रेंट लेते हैं, याद है। अब इस चार क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ क्या होता है पाई यानी 180, ये क्या होता है 270 यानी 3π/2, फिर यहाँ आ जाता है 2π। इस तरह से ये राउंड घूमता रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है आपको, कोसेक थीटा और साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कौन होता है, फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चा। हमने बात किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक में कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से पाई तक में कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2π यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बेसिकली। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन कॉट, फर्स्ट में साइन कॉसेक, और सॉरी सेकंड में साइन कॉसेक, और फर्स्ट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, याद होगा आपको। चलिए आज हम लोग इसमें सारे क्वाड्रेंट में घूम के देखेंगे कि कौन से कंडीशंस में पॉजिटिव होगा, कौन से कंडीशन में नेगेटिव होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं कहानी के तौर पे देखते हैं, ठीक है। मान लो एक बाप है जिसका 3 बेटा है, साइन टैन कॉस। एक बाप है जिसका कितना बेटा है, 3 बेटा है, साइन कॉस और टैन। अब बच्चा मेरा, ये जो बाप है उसके पास 4 फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4, या बेसिकली 4 घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर। बाप ने क्या किया, पहला घर जो है, नंबर 1 घर जो है वो खुद के पास रखा, मतलब ये बाप का घर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, बाप का घर। सेकंड क्वाड्रेंट उसने दे दिया साइन को, थर्ड क्वाड्रेंट दे दिया टैन को, और फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला घर किसको दे दिया, तो कॉस को दे दिया। अब ये बाप के पास 4 घर था, 3 बेटा था, साइन टैन और कॉस। तो बाप ने क्या किया, 1 घर अपने पास रखा जिसमें बाप खुद रहता है। तो बाप के घर पे तो सबका हक होता है, इसलिए बाप के घर में सब पॉजिटिव होगा। बाप के घर में क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव, साइन भी, टैन भी, कॉट कॉस भी, सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाप के घर में सब पॉजिटिव, बाप के घर पे सबका हक है। अब ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट जो है, इसमें साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन का घर है इसलिए साइन पॉजिटिव, बाकी कोई है तो नेगेटिव। अब साइन की लोगाई कौन है जी, कॉसेक। लोगाई समझता है बच्चा, लोगाई किसको बोलते हैं, बीवी को, शरीके हयात को, है ना। तो साइन की बीवी कौन है जी, कॉसेक। तो साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है। जब साइन का ये घर है तो बीवी का तो ऐसे ही हो गया उसके। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट टैन का घर है, बाप ने थर्ड क्वाड्रेंट किसको दे दिया, टैन को दे दिया, टैन का घर है तो टैन की बीवी कौन, कॉट, तो कॉट का भी घर हो गया। उसी तरह से उसके अलावा कोई और आएगा थर्ड में तो क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ टैन और कॉट, टैन और उसकी बीवी कॉट ही पॉजिटिव होगी थर्ड में, बाकी कोई भी आएगा तो क्या है, मेहमान है, नेगेटिव है, उसका अपना घर तो नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का घर है, कॉस का घर है और उसकी बीवी सेक का घर है, तो ये दोनों ही इस घर में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ये कहानी याद आ गया, समझ में आ रहा है बात। पहला घर बाप का होता है, दूसरा साइन और उसकी बीवी कॉसेक का, तीसरा टैन और उसकी बीवी कॉट का, और फोर्थ किसका होता है, कॉस और उसकी बीवी सेक का। अब चलिए हम सबसे पहले चलेंगे बाप के घर में, हम करते हैं साइन 90 - थीटा, π/2 - थीटा। बच्चा मेरा 90 में माइनस थीटा करेंगे, 90 में माइनस थीटा कर रहा है, देखिए तो किस कौन से क्वार्टर में जाएंगे, बाप के घर में जाएंगे। 90 में कुछ भी माइनस करेंगे किसके घर में जाएंगे, बाप के घर में जाएंगे। और दो कंसेप्ट याद रखिएगा, पहला कंसेप्ट कि 90 के केस में चेंज होता है, 90 के केस में क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, ये 10th क्लास में पढ़े हो आप। यही पे अगर हम करते हैं कॉस 90 - थीटा, ठीक है, तो क्या आएगा, कॉस 90 - थीटा, ऑब्वियसली बात है साइन थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए सबका सब पॉजिटिव होगा, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी, सब पॉजिटिव होगा। अब आते हैं टैन 90 - थीटा,
tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा cot थीटा। उसी तरह से अगर हम करते हैं cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्या होगा tan थीटा। 90 जब रहेगा चेंज होगा tan cot में, cot tan में, sin cos में, cos sin में सब चेंज होगा। उसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चा sec थीटा होगा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या होगा sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। चलिए तो सब का सब क्या हो रहा है sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में, pi by 2 है तो चेंज होगा आपको एकदम मस्ट है चेंज होना है। और देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो फर्स्ट में जा रहा है इसलिए सारे के सारे क्या हो गए पॉजिटिव। समझ में आ रहा बात, छापिए इसको फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम पाई बाई टू में कुछ भी प्लस करेंगे, 90 में कुछ भी जोड़ देंगे, कहां चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है जी साइन और कॉसेक का। तो अगर हम 90 में कुछ भी जोड़ दिया तो कहां चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई ये पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन है तो पाई बाई टू है तो चेंज होगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, सब चेंज होगा क्योंकि पाई बाई टू है। अब क्योंकि प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा बाबू, तो बाकी क्या होगा नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा आया क्या कॉस थीटा, लेकिन जो आता है उसको नहीं देखते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट है याद रखिएगा। पहला कंसेप्ट क्या बताया पाई बाई टू के केस में चेंज होता है, दूसरा कंसेप्ट जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, जो चेंज होकर क्या आया उसको नहीं देखते हैं। तो साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आया, लेकिन साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए जो इसका आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी ये क्या होगा मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव। अब आइए cos 90 प्लस थीटा आएगा तो sin थीटा। अब cos है तो cos को देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, cos क्या होता है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट cos का घर है, नहीं ना, तो नेगेटिव होगा। क्या लेगा बाबू माइनस sin थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा, tan थीटा इसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो यहां लग गया नेगेटिव। cot भी नेगेटिव होता है। cosec देखो cosec 90 प्लस थीटा आएगा तो sec थीटा। अब cosec थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हाँ पॉजिटिव होता है तो प्लस हो गया। अब sec 90 प्लस थीटा, sec क्या होता है नेगेटिव, तो आगे लग गया माइनस। समझ में आ रहा है बच्चा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं, छापिए और आगे देखते हैं। चलिए आइए अब चलता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोग 90 प्लस थीटा करके गए थे, दूसरा कैसे जा सकते हैं पाई में माइनस, यानी 180 में कुछ भी घटा देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी अगला जो है हमारा वो माइनस करके जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा बाबू कॉस पाई माइनस थीटा कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरह से टैन पाई माइनस थीटा कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरह से कॉट पाई माइनस थीटा कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरह से सेक पाई माइनस थीटा कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा, जो भी पाई माइनस थीटा है सब सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। अब आते हैं तीसरे कंसेप्ट पर। पहला कंसेप्ट मैंने बताया पाई बाई टू के केस में चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, जो चेंज होकर क्या आया उसको नहीं। तीसरा कंसेप्ट बोलता है पाई के केस में चेंज नहीं होता है, पाई के केस में चेंज नहीं होता है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे साइन कॉस टेन है वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा बाबू कि देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, माइनस लगा दिया, टेन नेगेटिव लगा दिया, कॉट नेगेटिव लगा दिया, सेक क्या होता है जी नेगेटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव। बस यही चीज देखना है हमको, याद रखना है पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये साइन कॉसेक का घर होता है। और पाई के केस में चेंज नहीं होता है, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सब वैसे ही रहेगा सेम सेम, ठीक है। छापी आयो फिर से देखते हैं। बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई बाई टू माइनस करके और पाई प्लस करके, हमने पाई माइनस करके और पाई बाई टू प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके। अब अगर थर्ड में जाना है तो पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई में कुछ भी प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए
पाई में कुछ भी प्लस करेंगे हम लोग कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, पाई प्लस थीटा। तो बच्चा मेरा पाई है तो चेंज तो नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। बट देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, किसका घर है जी, टैन और उसकी लोगाई कोण कॉट का। तो बच्चा मेरा साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस होगा जी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस भी निगेटिव होता है, टैन सिर्फ पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव, तो दोनों में प्लस है और कॉसेक और सेक में क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखा जाता है बाबू, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन कंसेप्ट याद रखेंगे, पाई बाय टू के केस में चेंज होता है, पाई के केस में चेंज नहीं होता है, जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, जो चेंज होकर के आया उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। तीन कंसेप्ट याद रखिएगा, आपको सारा का सारा इसका प्रॉब्लम बन जाएगा। छापी आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाबू बोलता है 3π/2-, यानी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा करके गए थे, अब क्या कर सकते हैं, 3π/2-थीटा, ये 3 है मेरा, 3π/2-थीटा करेंगे, कहां चले जाएंगे, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे बच्चा। तो 3π/2-थीटा, तो बाबू मेरा पाई बाई टू आ गया, तो चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, चेंज होगा एकदम, मस्ट है। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव, कॉस क्या हो गया, नेगेटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखना है कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए हैं तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस बात का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। छापी और आगे देखते हैं, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। बोलता है अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने घूम लिया एक बार पाई माइन, एक बार पाई प्लस और 3π/2- करके, अब हम कहां चलेंगे, फोर्थ में, फोर्थ में कैसे जाएंगे, 3π/2+ करके या 2π- करके, दो तरीके से जा सकते हैं। चलिए पहले चलते हैं हम लोग 3π/2+ करके, 3π/2+, पाई बाई टू है, चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, है ना। अब देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है जी, कॉस और सेक का, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का। तो साइन 3π/2+ थीटा आएगा कॉस थीटा, लेकिन किसको देख रहा है, जिसको चेंज कर रहे हैं, साइन को, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, आगे माइनस लगा दिया। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। टैन क्या होता है, निगेटिव। कॉट क्या होता है, निगेटिव। कॉसेक देखिए, कॉसेक क्या पॉजिटिव होता है फोर्थ में, नहीं, तो माइनस लग गया। सेक पॉजिटिव होता है बाबू फोर्थ में, तो होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लग गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से बेसिकली बनाते हैं। अब इसका दूसरा रास्ता क्या है, 2π में माइनस करेंगे तो चले जाएंगे, 2π- थीटा करेंगे तो चले जाएंगे। तो 2π- थीटा किया, अब यहां देखो पाई है, तो पाई के केस में चेंज नहीं होता है जी, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा बच्चा। लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव निगेटिव तो होगा, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉसेक कॉस पॉजिटिव होता है, टैन निगेटिव होता है, कॉट निगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव निगेटिव होगा वो तो होगा बाबू, सिर्फ क्या होगा, मेरा पाई है तो चेंज नहीं होगा, पाई बाय टू है तो चेंज होगा। समझ में आ रही बात सब लोगों को, छापिए इसको। चलिए लास्ट देखते हैं। बोलता है पाई, 2π में अभी माइनस किया था, फोर्थ में गया, अगर 2π में प्लस करेंगे कहां चले जाएंगे, फिर से फर्स्ट में चले जाएंगे 2π में प्लस करने के बाद। देखिए साइन 2π+ थीटा, बाबू मेरा साइन पाई है तो चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब जैसे वैसे रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाप का घर है, किसका घर है जी, बाप का घर है, तो बाप का घर है तो सबका सब पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव। समझ में आया बच्चा, तो आपको क्या याद रखना है कि तीन कंसेप्ट याद रखना है, पाई बाय टू के केस में चेंज होगा, पाई के केस में चेंज नहीं होगा, जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, जो चेंज होकर के आया उसको नहीं देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार बढ़िया से राइट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक बार खुद से जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको एकदम ही याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये लाइफ टाइम काम देगा बाबू, ये आपके हर एक चैप्टर्स में, आपके
पेपर्स में ये आपको काम देगा। ठीक है, छापिए इसको बढ़िया से और देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, छाप आइए बच्चा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि उसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखिए बोलता है, उससे पहले तो आपको एंगल वैल्यू तो याद होगा बाबू, एंगल वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसका एंगल वैल्यू तो आपको याद होगा। अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए, 10th क्लास का चीज है। नहीं है तो एक बार 10th की बुक पलटिएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, इन सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 0 से 90 के बीच का। ये 10th का चीज है, वो याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लो साइन 120 डिग्री, अब मेरा साइन 90 तक तो हम जानते हैं, लेकिन 120 कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। बोलता है साइन 120 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 यानी पाई बाई 2 प्लस 30, दूसरा हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। बाबू मेरा यही उस फॉर्मूले का इस्तेमाल है। 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60। साइन 90 प्लस 30 का मतलब क्या हो गया बाबू, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। अब जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, 90 के केस में चेंज होता है ना, ये साइन कॉस में चेंज हो गया, जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस लिखाएगा, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। साइन 180 माइनस थीटा, बाबू मेरा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, पाई के केस में चेंज नहीं होता है, साइन 60 डिग्री ही लिखाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, आंसर हो गया। तो यहां से भी √3/2 आया और यहां से भी √3/2 आया। साइन 120 को इस दो तरीके से सॉल्व करके उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और ये जो सर्कुलर फंक्शन हमने पढ़ा है, बेसिकली इसीलिए पढ़ा है कि जो 0 से 90 तक वैल्यू हम जानते हैं वो किसी भी एंगल का हम फाइंड आउट कर सके उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, और समझिए, जैसे मान लो बोल रहा है कहीं पे tan 135 को दो तरह से बना सकते हैं आप, tan 90 प्लस 45, ठीक है, या फिर tan 180 माइनस 45, दोनों में 135 आएगा। tan 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो tan का तो 90 के केस में चेंज होगा cot 45। अब बाबू मेरा क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आगे में लग गया माइनस, और tan 45 या cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1, आंसर आ गया। यहां देखते हैं tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 के केस में चेंज नहीं होता है, tan 45 जैसे वैसे लिखाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस लग गया, -1 आंसर हो गया। तो इस तरह से दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, छापिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है sec 240 डिग्री, sec 240, sec 240 को क्या लिख सकते हैं बाबू, एक तो लिख सकते हैं आप sec 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 देखिए तो 180 प्लस 60 240 हो जाएगा, दूसरा आप इसको लिख सकते हैं sec 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 240 हो जाएगा, तो सेम चीज है दोनों। अब ये साइन 180 माइनस 60 है, 180 यानी क्या हो गया पाई, पाई हो गया, पाई के केस में चेंज नहीं होता है, जैसे है sec 60 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा गया। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 180 से 270 के बीच में, तो 180 से 270 के बीच में 240 आता है, तो दैट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट किसका थर्ड होता है, टैन और कॉट का, तो बच्चा मेरा ये सेक है तो क्या लग जाएगा, माइनस, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो -2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए यहां आइए, sec 270 प्लस थीटा, 3 pi/2 प्लस थीटा है, तो चेंज होगा अभी, sec किस में चेंज हो जाएगा, cosec 30 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा,
माइनस कॉसेक 30 डिग्री, माइनस कॉसेक 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया -2 आंसर में। तो इस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है cot cot 400 डिग्री, 400 डिग्री, ठीक है। cot 400 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखते हैं cot 330, 300 क्या लिखते हैं बाबू, 30, 330 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं क्या cot 270 प्लस 60, और दूसरा क्या लिख सकते हैं cot 360 माइनस 30। दो तरह से लिख सकते हैं बाबू, cot 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा मतलब 3 पाई बाई 2 है, तो चेंज होगा cot, किसमें चेंज हो जाएगा जी, tan में चेंज हो जाएगा, tan 60 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, देखिए 270 प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan cot नेगेटिव होता है बाबू, है ना। उसी तरह से cot 360 माइनस, 360 माइनस मतलब 2 पाई माइनस, तो चेंज तो नहीं होगा, cot 30 डिग्री ही रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस tan 60 मतलब -√3, माइनस cot 30 मतलब -√3 आंसर होगा, ठीक है। तो आप किसी तरह से बनाइए, इस तरह से या इस तरह से, आंसर ऑलवेज सेम, हमेशा क्या आएगा बाबू, सेम आएगा, ओके। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, छाप लीजिए, फिर हम बात करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको बनाइएगा, ठीक है, छापिए। आइए मैं कुछ होमवर्क लिख दे रहा हूं, उसको आप घर से बना के लेके आएंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, पहला है cos 120, दूसरा है sec 135, तीसरा है tan 150, चौथा है cosec 150, पांचवा है sin 25, ठीक है। उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं cot 225, फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं sec 240, फिर आप इसमें लिख सकते हैं cos 240, फिर आप इसमें लिख सकते हैं tan 300, फिर आप इसमें लिख सकते हैं sin 315, ठीक है, फिर आप इसमें लिख सकते हैं cosec 330, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस बाबू, इसको आप बना लीजिएगा, बना करके देखिएगा कैसे कैसे आंसर आता है। दो केस से बनाइएगा, दोनों केस से, एक बार पाई प्लस या माइनस, एक बार 3π/2 प्लस या 2π-, वैसे करके दोनों केस जो बताया अभी हम, दोनों केस से बनाइएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हर तरह का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।